पचपौली पुलिस थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों पहले एक दोपहिया वाहन चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी सत्यनारायण नायडू ये 8 अगस्त की रात अपनी दोपहिया गाड़ी से घर जा रहे थे, जिस दौरान उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ी, जिसके चलते फिरियादी ने घटना स्थल पर रोड के बाजू में गाड़ी रखी और वहीं से पैदल अपने घर गए। जिसके पश्चात दूसरे दिन 9 अगस्त को फिरियादी सुबह 8 बजे घटना स्थल पर गाड़ी लेने गए, लेकिन उस दौरान उन्हें गाड़ी दिखाई नहीं दी। जैसे ही फरियादी को उसकी गाड़ी चोरी होने का पता चला, उन्होंने तुरंत पाचवाली पुलिस थाना अंतर्गत जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 8/8/2021 रात्री 9:30 दरम्यान गुन्ह्यातील फिर्यादी सत्यनारायण पांडुरंग नायडू वय 66 वर्षे हे मेहंदीबाग पुलिया 10 नंबर पुलिया जवळून जात असताना त्यांची गाडी अचानक बंद पडली आणि ती सुरू होत नसल्याने फिर्यादीने ती गाडी तिथेच रस्त्याच्या बाजूला उभी करून घरी निघून गेले होते। दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता येऊन जेव्हा त्यांनी बघितलं तर सदर ठिकाणी त्यांची गाडी मिळून आली नाही, कोणीतरी अज्ञात चोरांनी ती चोरून नेली असावी असं त्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिली। त्यांच्या तक्रारीवरून आम्ही अज्ञात आरोपीविरुद्ध कलम 379(2) गुन्हा दाखल केला। गोपनीय बातमीदार भाग माहिती मिळाली आम्हाला की वहीद खान रहीम खान आणि नंदकिशोर धोंडबाजी पडोळे दोघेही राहणार शांतीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतले राहणारे आहेत, त्या दोघांनी मिळून हा गुन्हा केलेला आहे अशी आम्हाला गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती। त्याच्यावरून आम्ही त्यांना पकडलं, त्यांच्याकडून गुन्ह्यात चोरीस गेलेली गाडी पण जप्त केलेली आहे। पुलिस द्वारा इस मामले में लुप्त आरोपी की खोजबीन करते दरम्यान पुलिस ने अथक परिश्रम किया। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूत्रों की सहायता से आखिरकार पुलिस ने आरोपी वहीद खान रहीम खान और आरोपी नंद किशोर पटोरे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से चोरी की गई दोपहिया वाहन को अपने ताबे में लेने में यश प्राप्त किया है। वही इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जाँच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।